पूरा टेम्पो मंगवाया इसी बैग के लिए। 15 बैग लगेगा, भीम लगेगा, कंटेंट चाहिए कंटेंट। अल्लाह हाफिज़। अरे तुम तो चल रहा हो यार। अरे यार हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? तो वेलकम बैक हो गए आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से कहाँ? दिल्ली। जी हाँ, यहाँ से हम जाएंगे डायरेक्ट दिल्ली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये बच्चा पार्टी अलग परेशान कर रही है हमें। एक बच्चे वो बच्चे ये बस ये पहचानते मुझे, व्लॉग देखते रहते मेरे यहाँ पे लोग। अभी हमने गाड़ी वाड़ी मंगवा ली है, हमारा सामान आप लोग चेक करना भी, कितना ज्यादा सामान है हमारा। और इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आप लोग को बता दिया था कि हम लोग अभी मुंबई आ गए थे, मुंबई के बाद हम लोग जाएंगे दिल्ली। अरे बच्चे परेशान कर रहा है, ये देखो आप, वो देखो उनको देखो। और इसी व्लॉग में आप लोग बने रहो, आप लोग को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग आप लोग को देखने वाले हैं यहाँ पे। और साथ में मामू है, मामी है, इबाद भाई है, और मैं तो एज यूजुअल हुई। पूछा मैंने कुछ यहाँ पे, हमने टेम्पो मंगवाया है सामान के लिए। आप लोग सोचो टेम्पो आएगा तकरीबन हम लोग के 4 लोग और हम लोग के तकरीबन 15 से 16 बैग। अभी मैं आप लोग को सब दिखाऊंगा। फटाफट जाते हैं, सामान चेक करते हैं, टेम्पो आता है सामान रखवाते, फिर आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। व्लॉग में एंड तक जरूर बने रहना, आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और हम ट्रेवल कर रहे हैं गरीब रथ एक्सप्रेस में, चलती है मुंबई से लेके दिल्ली तक, जो चलती है मुंबई से लेके दिल्ली तक। तो व्लॉग में आप लोग बने रहो। और ये हमारे भाई है, आपने इनको व्लॉग में जरूर देखा हुआ होगा। तो फटाफट इन्होंने एसी चालू कर दिया है और पसीने में नहा गए। अच्छा अब जाएंगे यहाँ से बेंड्रा डायरेक्ट। बेंड्रा से हमारी ट्रेन है भाई, कितना दूर है यहाँ से बेंड्रा? बेंड्रा है 20 किलोमीटर दूर है, तो जाने में टाइम लगेगा। हमारी ट्रेन है 5:20 की और अभी हम निकल रहे हैं 3:30 बज रहा है शायद तकरीबन। तो जल्दी पहुंचेंगे, सामान रखेंगे, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को मैं आगे व्लॉग पे मिलता रहूंगा। चैनल पे अगर आप लोग न्यू हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ कर दो फटाफट। अब चलते हैं डायरेक्ट आगे। ये पूरा सामान हमारा है, चेक कर सकते हो इतना सारा सामान है यहाँ पे। पूरा टेम्पो मंगवाया इसी बैग के लिए, इतना सारा सामान है। और ये बच्चा पार्टी अलग है यहाँ पे। क्या नाम है तुम्हारा? बहुत तेज हो रहे हो हैं। और ये पूरा सामान हमने रख दिया यहाँ पे फाइनली। ये अंदर आप चेक कर सकते हो, मामू पूरा सामान रखवा रहा है। पूरे टेम्पो में सामान आया है, पूरा सामान टाइट हो गई। 15 बैग। तो जो 15 बैग पूरे चेक करो आप लोग, सामान कितना सारा सामान है यहाँ पे। कम से कम ये 16-17 बैग है हम 4 लोग के। कितना बैग है बाप रे बाप। तो बस टेम्पो में पूरा सामान रख दिया मैंने अपने इन्हीं हाथों से। आपने व्लॉग में देखा होगा कितना ज्यादा सामान मैंने उठाया। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? गाड़ी के लिए बेचारे ये बात भाई ने बहुत मेहनत की है, हमारे सामान इन्होंने उठाया पूरा खतरनाक। तो फटाफट ये टेम्पो जाएगा डायरेक्ट हमारे से पहले बेंड्रा पे। वो बेंड्रा यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है, आपने जरूर व्लॉग में देखा होगा। इन भाई ने भी बहुत मेहनत की है हमारे, इन्होंने भी पूरा सामान उठाया इन्होंने। हम मिलते आपको बेंड्रा के अंदर, मिलते। एक गाड़ी वो है हमारी इनोवा और एक गाड़ी मामू की वाली आ गई है। हमें तो बैठूंगा इनोवा में, फिर आपको मिलता थोड़ी देर में। और भी कहाँ बैठोगे? इनोवा बैठोगे। रिच पीपल, रिच पीपल। क्या बात है सर, क्या बात है सर। टेम्पो के अंदर सामान रख लिया है। मिंटू भाई भी आ गए थे हमें लेने के लिए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरा बच्चा पार्टी यहीं बैठा हुआ, एक बच्चा यहाँ बैठा है, बच्चे पीछे बैठे हुए सारे। और अब यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट बेंड्रा। तकरीबन हमें लगेगा आधा घंटा लगेगा, क्यों 27 मिनट लगेंगे। मैप खुला हुआ है हमारा, आप लोग चेक कर सकते हो पूरा ये रहा। और ये पूरा मुंबई का जाम देखो। हमारी ट्रेन है वैसे 6 बजे की, मगर हम लोग निकल गए 3 बजे, क्योंकि इस वजह से ये जो जाम दिख रहा है ना आपको, पूरा मुंबई का ट्रैफिक बहुत खतरनाक ट्रैफिक है। तो आप ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप लोग को मिलेंगे स्टेशन पे, और आगे की जो प्रोसेस होगी जैसा भी होगा आपको बताते रहेंगे। तो भाई ये पूरा मुंबई का वर्ली सीलिंग है पूरा, आप चेक कर सकते हो कितना खूबसूरत है। इस ब्रिज ने मुंबई वालों को बहुत सारा टाइम बचा दिया, आधे घंटे का रास्ता सिर्फ 5 मिनट में। फाइनली स्टेशन पे आ गए बेंड्रा के अंदर, गाड़ी में बैठ गए थे और टेम्पो में सामान भी आ गया था। पूरा हमने सामान रख दिया, जैसे आप चेक कर सकते हो पूरा सामान हमारा रखा हुआ है। इतने सारे बैग है आप चेक कर सकते हो, पूरा सामान है यहाँ पे, कितना खतरनाक तुम चेक कर सकते हो। ये पूरा हमारा 15 बैग है। हम लोग की ट्रेन थी 5:20 की, जो शेड्यूल हो गई है 6:20 की। और गाइस हमारी ट्रेन का नाम है गरीब रथ एक्सप्रेस 12909, जो चलती है बेंड्रा टर्मिनल से लेके हजरत निजामुद्दीन दिल्ली। फुल एसी की ट्रेन है और हमारे 3 AC के अंदर सीट है 36, 37, 38, 39। तो जैसे ही ट्रेन लगेगी उसके बाद की इन्फॉर्मेशन आप लोग को आगे देता रहूँगा। तो ब्लॉग पे बने रहो, आगे आपको आगे की डिटेल देता रहूँगा मैं। अब थोड़ा थक गए, आराम करते हैं, ट्रेन का इंतजार करते हैं कब आती है, उसके बाद भी मिलता हूँ आपको बाद में। गाइस अभी ट्रेन लगी वगी है नहीं, और इनकी एक्टिंग देखो आप, मस्त एक्टिंग कर रहा है, देखो वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ट्रेन अभी उधर लगेगी हमारी, और इधर खड़े होके बाय बाय कर रहा है। हाँ अबे साले। तो
भाई फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है बांद्रा टर्मिनल टू हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस। ये पूरी हमारी ट्रेन है, जैसे आप लोग चेक कर सकते हो, ये पूरी हमारी ट्रेन है ग्रीन कलर की, और ये साथ में हमारी बच्चा वाड़ी बस खड़ी है। मैंने सोचा इनके पास कैमरा घुमाऊंगा, इन लोग के साथ छोटू भाई मैं वहाँ दिखाने लगा। लगेगा मीम लगेगा, कंटेंट चाहिए कंटेंट। गाइस हमारी ट्रेन का टाइम है 17:30, मतलब 5:30, मगर ट्रेन चली नहीं, एक घंटा शेड्यूल हो गई है। आप फटाफट यहाँ से जब ट्रेन चलेगी उसके आगे आप लोगों को और आगे अपडेट देता रहूँगा, अंदर की भी सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं, कितनी अच्छी ट्रेन है माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। अरे तुम तो चल रहा है यार, अरे यार अब आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। बस जब से हम ट्रेन में बैठे हैं, ये हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस और इबाद भाई ये रहा हमारे, और जब से बैठे हैं इबाद भाई अब जाके स्टॉप आया है 4 घंटे बाद, और वो भी कौन सा आया है भाई, सूरत हमारा, आप चेक कर सकते हो इतने घंटों बाद सूरत स्टेशन आया है यार, मतलब सिर्फ हम तो जब से मुंबई से बैठे क्या कह रहा हूँ मैं यार। अरे कहना क्या चाहते हो, जब से मुंबई से बैठे दिल्ली से कहाँ बैठे भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। जब से मुंबई से बैठे हैं अब जाके हम लोग का पहला स्टॉप आया सूरत के अंदर, और वो तकरीबन 7-8 घंटे का रास्ता है, हम वहाँ बैठे थे तकरीबन 8 बजे और अभी बज रहा है 11, तो 11 बजे हम पहुंचे। ये पूरा सूरत का स्टेशन है, आप जैसे चेक कर सकते हो, ये हमारी पूरी गरीब रथ एक्सप्रेस खड़ी हुई है। भाई एकदम मोबाइल में बड़ी है चार्जिंग कम, और पता नहीं क्या इशू हो रहा है कि मोबाइल चार्ज हो नहीं रहा है, तो अब हम सोएंगे ऐसे फटाफट, और इंशाल्लाह कल सुबह आप लोगों को दिल्ली के अंदर मिलूंगा, जो भी आगे होता रहेगा वो आपको कल डायरेक्ट दिल्ली में बताऊंगा। और आप मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट सोने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं आप लोगों को कल मिलूंगा डायरेक्ट कल दिल्ली के अंदर, आगे की डिटेल आप लोगों को दिल्ली में देता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब, तो वेलकम बैक हो रहा है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस रात रात में हम लोग पूरा सो गए थे, जैसे मैंने आपको आखिरी स्टेशन पे बता दिया था कि मैं सोने जा रहा हूँ, मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं थी, और अभी हम मथुरा पहुँच गए, और अब आएगा डायरेक्ट हमारा स्टेशन दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली। तो गाइस मोबाइल में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, पता नहीं चार्जिंग चार्ज क्यों नहीं हो रहा है मोबाइल, बिल्कुल भी मुझे समझ में आ नहीं रहा है, और अगर चार्जिंग होगी तो मैं आपको दिल्ली में ज़रूर दिखाऊंगा, और नहीं होगी तो फिर मैं आपको डायरेक्ट दिल्ली के अंदर व्लॉग एंड कर दूंगा। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसी व्लॉग पर आप लोग बने रहो, और आगे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखने वाली है, मैं फटाफट आप लोगों को एक कोच का रिव्यू दे देता हूँ। ये नीचे की सीट है, बीच की है, ऊपर की, वहाँ हमारी बहुत अजीब गरीब सीट थी, वहाँ की सीट थी, हमने पूरा सामान रख लिया था, उसके बीच में भी एक जगह होती है सोने की, और ये पूरा सामान हमने यहाँ रख दिया था, इधर भी नीचे सामान रखा है। ये मामी बात कर रही है, ये बात भी देखो बेचारे सो रहा है, कब से सो रहा है बेचारे, मगर हम लोग रात को बहुत लेट सोते, बहुत ज़्यादा लेट, और ये मैं हूँ। हाँ तो गाइस वो मोबाइल पूरा डाउन वाउन हो गया है, पूरा आईफोन डाउन हो गया, अब चार्ज वार्ज हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ये हमारे मामू बैठे हुए, ये मामी बैठी हुई है, तो भाई जब आपको डायरेक्ट 3 घंटे बाद मिलेंगे, जो भी आगे होता रहेगा वो आप लोग को डिटेल देता रहूँगा। आईफोन तो डाउन हो गया है, तो इसी कैमरे की क्वालिटी में काम चलाओ, अब आप लोग को मिलूंगा डायरेक्ट दिल्ली के अंदर, फिर दिल्ली से हमें लगेंगे तकरीबन 4 घंटे, वो भी सफर में आप लोग को थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, मुरादाबाद जा रहा है, आप लोग को मिलता हूँ इंशाल्लाह थोड़ी देर में। हाँ हम ये क्या कहना चाहोगे ट्रेन के बारे में, ट्रेन के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि गरीब रथ नहीं, ये भिखारी रथ भिखारी रथ, मतलब अच्छी नहीं लगी यार सर्विस, बिल्कुल जीरो सर्विस है, पता नहीं आया, बाथरूम साफ नहीं है, टॉयलेट साफ नहीं है, सोने के पैसे बराबर को पैसा बर्बाद। सोने के अंदर सबसे अजीब मुझे ये लगा कि ये जो 3 जगह है आप इसके अंदर, ये बीच में जाके तीनों कैसे सो पाओगे एक जगह, और आप देखो यहाँ पे 3 होते हैं कायदे से बैठने के लिए, आप देखो 1, 2, 3, 4, अब 4 यहाँ कैसे बैठे, पहले सफर निकल गया, सो गए थे आराम से, अब डायरेक्ट हम पहुंचेंगे यहाँ से दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली अभी भी तकरीबन 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन 3 घंटे लेट चल रही है, ये पूरा दिल्ली है, और ये पूरा हमारा एसी कोच है, फटाफट मैं आप लोग को इसको बता देता हूँ कैसा है, ये पूरा एसी कोच है, ये पूरा एसी कोच है, पूरी सीट से पूरा है।